ताजा करिए और पुरानी बॉलीवुड यादें, हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लहरे रेट्रो। फिल्म जुगनू के बाद दिलीप कुमार ने अभिनेत्री नरगिस के साथ कई कामयाब फिल्में की, जिनमें 1948 की फिल्म महिला, इसी साल रिलीज हुई फिल्म अनोखा प्यार और इसके बाद 1949 में महबूब खान की फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार, नरगिस और राज कपूर के लव ट्रायंगल ने पर्दे पर खूब धमाल मचाया था। कई फिल्मों में अदाकारा नरगिस से रोमांस करने के बाद महबूब खान ने फिल्म मदर इंडिया के लिए दिलीप कुमार से बातचीत की। रोल था नरगिस के बेटे का। महबूब खान के इस ऑफर से पहले तो दिलीप साहब थोड़ा सरप्राइज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने नरगिस के साथ इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। अब चूंकि रोल नरगिस के बेटे का था, इसीलिए दिलीप साहब थोड़ा सा डर गए कि पर्दे पर रोमांस करने के बाद बेटे का किरदार दर्शक पता नहीं स्वीकार करेंगे या नहीं। बाद में नरगिस के बेटे के रोल में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार को साइन किया गया था। मदर इंडिया जब रिलीज हुई तो एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद तो दिलीप कुमार ने नरगिस के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। हालांकि फिल्म देवदास में दिलीप कुमार की चंद्रमुखी बनने का ऑफर नरगिस को मिला था, पर इस बार नरगिस ने मना कर दिया।